बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप और आपके बड़े बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये मैंने जो आपको इनक्यूबेटर और ब्रूडर की मिक्स टाइप दिखाई थी, ये देखे मैंने, इसमें बच्चे रखे हुए हैं माशाल्लाह, बिल्कुल हेल्थी हैं। और टेम्परेचर भी आप देख सकते हैं पीछे 37 के करीब है। तो इनको भी मैं फीड करवाने लगा था, फीड में इनको ये करवा रहा हूँ सीरीलैक 3+ और गंदम। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आयरन भी है, रुके मैं फोकस करता हूँ इसको। उसके बाद प्रोबायोटिक्स भी हैं, 12 विटामिन्स भी हैं, पीछे लिखी भी हुई है इनकी डिटेल्स, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। तो अब फीड देने का तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैं 1 चम्मच पाउडर ले कर इसमें पानी डालता हूँ, ठीक है, तो फीड बनाता हूँ 1 चम्मच और तकरीबन वो 20-25 सीसी के करीब बन जाती है, ठीक है। फीड बनाने के बाद ये देखें, मैंने उसको सरिंज में डाला हुआ है और ब्रूडर में रख दिया। तो आज होगा क्या कि जो फीड है वो टेम्परेचर उसका अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हो जाएगा, फीड ठंडी नहीं होगी। तो आप उसको कुछ देर के लिए ब्रूडर में रख दें, ठीक है जी। और ये देखिए माशाल्लाह बच्चे बिल्कुल हेल्थी हैं। इनकी स्प्ले लैग का भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले काफ़ी ज़्यादा मसला था, अब देखें ये डिब्बी के अंदर रखने से इनकी टांगों का भी बिल्कुल इशू सही हो गया। ये जो चिक है छोटा, इसकी जो राइट टांग थी उसका जोड़ बिल्कुल ऐसे हो गया था, यानी टांग ऐसे पीछे को हो गई थी। तो उसका देखें, ये मैंने सोल्यूशन निकाला था, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये 1 दिन हो गया इसको कि, और माशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। ये देखें ये रबड़ बैंड है, उसके सेंटर में मैंने टेप लगाई है और साइडों पे ये रिंग बना के इसके पाँव पे चढ़ा दी है। और ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक तरह से ये खड़ा होता है, इसकी टांगों के दरमियान जो फ़र्क है वो बिल्कुल कम रह गया। तो टिश्यू पेपर रखा, बूरा नहीं रखा। टिश्यू पेपर का फ़ायदा ये है, ये पानी को सोख लेता है, बूरा जो होता है वो गीला हो जाता है, सूखता नहीं है और उससे इनको ठंड लग सकती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हैंड फीड आपने कैसे करवानी है। टेम्परेचर मैंने बता दिया फीड का, क्योंकि जो बड़े ब्रीडर होते हैं उनके पास तो थर्मामीटर होता है, वो फीड का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, हमें ज़रा मुश्किल। तो इस वजह से मैंने फीड को ब्रूडर में रखा था ताकि उसका टेम्परेचर ठीक रहे, वो ठंडी बिल्कुल ना। तो अच्छी तरह पहले मैंने इसको हिलाना है सीरीलैक को, ठीक है जी। तो अब मैं इनको फीड करवाऊँगा ये, तो आइए आपको दिखाता हूँ फीड कैसे करनी है। ये एक चीज को पकड़े, ठीक है जी, ये देखिए पायर जो है इसके मुंह में आपने लेके जाना। ये देखेंगे अगर इसका मुंह आपने बिल्कुल ऊपर की तरफ रखना है ताकि पायर नीचे जाए, ठीक है। इसके मुंह के जबान के ऊपर से इसके हलक में थोड़ा ऐसा दे दें, आहिस्ता से पीछे से खुश करें। ये देखें इसकी पोटे में फीड चली गई है, तो हमें थोड़ा थोड़ा सा पीछे से खुश कर दे जाना, फीड इसके पोटे में चली जाएगी। उनको साफ करें, ये देखें फीड इसको खिला दी, ये आप देख सकते हैं इसके क्रॉप में आ चुकी। तो माशाल्लाह अभी बिल्कुल दे देखें, बिल्कुल ये फीड ठीक हुई है, आपका जो बेबी है वो बिल्कुल माशाल्लाह हेल्थी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।